بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله कि बाज लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो गैर अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह रब्बुल आलमीन से की जाती है। और मोमिनीन तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के मामले में बहुत सख्त होते हैं। जी हाँ हजरात, बात चल रही थी इन्नमल आमालु बिन्नियात के, अमलों का दारोमदार नियत पर है और नियतों से दिलों के क्या अहवाल बन जाते हैं, दिल किन किन हालतों से गुजरता है, दिल की क्या क्या अकसाम होती है वगैरह वगैरह हमने मालूम किया था। दिलों पर गुनाह के क्या असरात पड़ते हैं और सच्चाई के क्या असरात पड़ते हैं। आज एक मजीद चीज मालूम करेंगे इंशाअल्लाह जिसका ताल्लुक दिल से है और वो है मोहब्बत। मोहब्बत का ताल्लुक भी दिल से है क्योंकि मोहब्बत दिल में ही होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला के रसूलों और मोमिनीन से मोहब्बत से ही ईमान की मिठास नसीब होती है। ये कायदा, ये उसूल एक मोमिन को मालूम होना चाहिए। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही ऐन की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में तीन चीजें पैदा हो जाए वो ईमान की मिठास को महसूस कर लेगा, ईमान की मिठास को चख लेगा। पहली के अल्लाह और उसका रसूल दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा उसे महबूब है। दूसरी, वो किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह ताला की खातिर। तीसरी, वो कुफ्र या शिर्क की तरफ लौटने को ऐसे नापसंद करे जैसे अपने आप को आग में गिर जाने को नापसंद करे। ये तीन खसूसियात, ये तीन औसाफ, ये तीन सिफत जिसमें पैदा हो गई, जिसमें पाई गई, वो ईमान की मिठास महसूस कर लेगा। यानी ये दरख्त जिस दिल में लग जाता है इखलास और इत्तेबाए नबी की आबियारी से, फिर वो दरख्त मुख्तलिफ किस्म के फल देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हर आन वो फल देता है। तो मोहब्बत की कितनी अकसाम होती है ये जानना भी जरूरी है कि उसका ताल्लुक दिल से। हमारे सारे अमलों का ताल्लुक दिल से है। दिल इंसान के दिल में बादशाह है और सारे आज़ा उसकी रियाया है, इसलिए इसका दुरुस्त होना बहुत जरूरी है ताकि पूरा जिस्म दुरुस्त रहे। और ये बिगड़ गया, पूरा जिस्म खुद ब खुद बिगड़ जाएगा क्योंकि यही पूरे जिस्म को आमाल की तरफ लाता है। तो मोहब्बत की कितनी अकसाम होती है? मोहब्बत की चार किस्में होती है। सबसे पहली कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत, ये ईमान की बुनियाद है, पहली किस्म। दूसरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मोहब्बत, यानी आम मुसलमानों से इजमाली मोहब्बत की जाए, दोस्ती की जाए हर मुसलमान से, रहे वो खास लोग कि जिनसे मोहब्बत कैसी की जाएगी, उसका क्या मकाम व मर्तबा होगा, वो उनके दर्जात पर कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कितने मुती और फर्माबरदार हैं, कितने मुत्तकी हैं, कितने तकवा परहेजगार हैं, उसके एतबार से उनसे मोहब्बत की जाएगी। और ये मोहब्बत वाजिब है, ये मोहब्बत वाजिब है। तीसरी किस्म, अल्लाह के जैसी मोहब्बत, अल्लाह ताला के जैसी मोहब्बत किसी से नहीं की जाएगी। जब ये आयत करीमा गुजरी वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाह, के बाद लोग अल्लाह ताला के जैसी मोहब्बत गैरुल्लाह से करते, बल्कि आप मुशरिकीन को इस मसले में जाने दीजिए, लेकिन यहां एक कायदा एक उसूल पहले समझ लीजिए कि शिर्क की बुनियादी मोहब्बत है। शिर्क शुरू ही मोहब्बत से होता है, इसलिए अल्लाह से जैसी मोहब्बत की जाएगी मखलूक में किसी से नहीं की जाएगी, ना किसी नबी से, ना किसी मलाइका से, ना किसी औलिया से। बाज लोगों ने इसे गलत मफहूम समझ लिया कि हदीस में आया है कि अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाएगी, दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत नहीं की जाएगी। उसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह से जैसी मोहब्बत की जा रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी वैसी की जाएगी। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह रोजी देता है, अल्लाह मारता है, अल्लाह पैदा करता है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की उम्मीद, ऐसी उम्मीद, ऐसा खौफ, ऐसी तवक्को, ऐसी मोहब्बत किसी उम्मती से, किसी
मखलूक से नहीं की जा सकती। जो ऐसी मोहब्बत करेगा ये शिर्क की बुनियाद। चौथी किस्म फितरी मोहब्बत, जो हर इंसान को होती है, अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत होती है, तो ये मोहब्बत जायज है। लेकिन इस मोहब्बत में एक चीज का खास ख्याल रखना चाहिए और वो है बेरग़बती। यानी इस मोहब्बत में इतना डूब नहीं जाने का कि आदमी अल्लाह उसके रसूल को भूल जाए, किताब सुन्नत को पसे कुछ डाल दे, उसके लिए वो दुनियावी मादियत माल औलाद बीवी बच्चे इतने अजीम हो जाए कि अल्लाह ताला से कटकर अल्लाह ताला के दीन से कटकर रह जाए, बल्कि ये मोहब्बत होने के बावजूद भी उसको बेरग़बती इख्तियार करना चाहिए। तो ये मोहब्बत की चार अक़साम थी। इसी तरह दोस्ती और दुश्मनी के एतबार से भी तीन किस्में लोगों की। पहली किस्म कि वो लोग जिनसे दिली मोहब्बत की जाए और उनकी मोहब्बत में दुश्मनी का शायबा भी दिल में नहीं रहे, ये खालिस मोमिनीन से मोहब्बत है, जैसे अंबिया से मोहब्बत, शोहदा से मोहब्बत, सालीन से मोहब्बत, सिद्दीकीन से मोहब्बत, और इसमें अव्वलीन सबसे पहले सर फहरिस्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपकी अजवाज मुतहरात है, आपके अहले बैत हैं, आपके सहाबा, इनसे ऐसी दिली मोहब्बत की जाएगी कि इसमें दुश्मनी का शायबा भी नहीं पाना जाएगा। आज है हमारे यहां बहुत सारे लोग कि वो अल्लाह के नबी से तो मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन अजवाज मुतहरात सहाबा इकराम से नफरत और बुग़्ज़। दूसरी किस्म के वो लोग कुफार मुशरिकीन मुनाफिकीन, इनसे बरात का ऐलान किया जाएगा, इनसे दिली मोहब्बत नहीं की जाए। तीसरी किस्म के वो लोग हैं जिनसे एक पहलू से मोहब्बत की जाएगी, एक पहलू से मोहब्बत नहीं की जाएगी। वो आम मुसलमान हैं जो गुनाहगार हैं, बावजह ईमान उनसे मोहब्बत की जाएगी, बावजह मासियत उनसे नफरत की जाएगी। ये पहलू को समझना है, बावजह ईमान उनसे मोहब्बत की जाएगी, बावजह मासियत उनसे नफरत की जाएगी, उसका यह मतलब नहीं है कि उससे नफरत की जाएगी, उसके सिर्फ उस फैल उस गुनाह से नफरत की जाएगी, बाकी उससे मोहब्बत रखी जाएगी, कि उसके उस गलती उस गुनाह की वजह से उसकी सारी मुतलकन मोहब्बत का आदमी इनकार कर दे तो फिर उसको अपने दिल का अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। जैसा कि हम सहाबा के ताल्लुक से खिलाफत के ताल्लुक से देखते हैं कि एक गलती को पकड़ के पूरी मोहब्बत पर पानी फेर दिया जाता है। कुफार से बरात का क्या माना और मोमिनीन से दोस्ती का क्या माना है? कुफार से बरात इस तरह की जाएगी कि उनके ताल्लुक से दिल में बुग्ज़ होगा, उनको सलाम में वेलकम करने में पहल नहीं की जाएगी, उनके इलाके उनके शहरों से हिजरत की जाएगी और उनके हालात को पसंद नहीं किया जाए। वो बजाहिर कितने ही खुश हो, वो बजाहिर कितने ही मालदार हो, कितने ही उनके पास नेमतें हो, कितने वेल सेट हो, उनसे कभी उनके किसी अहवाल को पसंद नहीं किया जाएगा। मोमिनीन से दोस्ती का क्या माना है? कि मोमिनीन के शहरों की तरफ, मुल्कों की तरफ, इस्लामी मुल्कों की तरफ, शहरों की तरफ हिजरत की जाएगी। इनके शहरों को छोड़कर किधर हिजरत की जाएगी? इस्लामी शहर इस्लामी मुल्क की तरफ, अपने जान और माल से उनकी मदद की जाएगी, उनके अहवाल पर खुशी और गमी का एहसास हम में होना चाहिए। अगर उनका अच्छा हुआ तो हमको खुश होना चाहिए, उनके साथ बुरा हुआ तो गमी होना चाहिए और उनके साथ खैर पाई रखनी। तो ये दोस्ती और दुश्मनी की तीन किस्में। कुफार से दोस्ती की दो किस्में। पहली किस्म ऐसी दोस्ती जो इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज कर देती, उसे इर्तदाद का शिकार बना देती है, यानी मुसलमानों के खिलाफ काफिर से मदद लेना या काफिर को काफिर ना कहना या काफिर को काफिर कहने में खामोशी इख्तियार करना या काफिर या मुशरिक के मुशरिक और काफिर होने में शक करना, यह सिफत पाई गई आदमी उसी वक्त दार इस्लाम से खारिज। आज उम्मत मुस्लिमों में बहुत सारे लोग हैं क्या कहते हैं, काफिर को काफिर मत कह। तो क्या तेरा बड़ा भाई कहे भाई क्या कहे? अगर ये जुमला जबान से निकला तो आदमी उसी वक्त दार इस्लाम से खारिज, उसका रिश्ता उसकी बीवी से टूट जाएगा, उसका निकाह उसकी बीवी से टूट जाएगा। इस दोस्ती में दूसरी दोस्ती है वो हल्की है,
कबीरा गुना, मकरूह फेल, हराम काम, कैसे? उनकी ईदों में शामिल होना, उनके त्योहारात में शामिल होना, उनको उसकी मुबारकबाद देना या उनकी मुशाबहत इख्तियार करना, यह हल्की दोस्ती है, लेकिन यह भी गुनाह कबीरा है, यह भी हराम है, यह भी मकरूह है, इससे भी बचना है। अब जो काफिर मुशरिक हमसे बरसर पैकार नहीं है, लड़ते नहीं है, उनसे बुग्ज रखा जाएगा या हुस्न सुलूक किया जाएगा, यह मामला वाज नहीं है। इस पे उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत पेश में मुब्तला रहती है कि क्या करें। तो आसान सा उसूल है, जो काफिर जो मुशरिक आपसे लड़ा नहीं, आपसे लड़ता नहीं है, आप उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आ सकते, उसके बुजुर्गों के साथ, उसके जईफों के साथ, उसके बच्चों के साथ, जो भी कमजोर लोग हैं। लेकिन वहां नियत क्या होगी मालूम है? अपने आप को कमजोर या कमतर समझकर नहीं, बल्कि एहसान करने की नियत से। क्यों? क्योंकि इसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया है? कि जिन लोगों ने तुमसे जंगे नहीं की, तुम्हें अपने शहरों से नहीं निकाला, तो अल्लाह ताला उनके साथ अदलो इंसाफ करने से तुम्हें नहीं रोकता। तो उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आना दिली मोहब्बत नहीं होना चाहिए, हुस्न अखलाक से। दिल में क्या रहेगा? बुग्ज़ और नफरत। दिल से मोहब्बत नहीं होगी, दिली मोहब्बत हुई आदमी गया। दिली मोहब्बत का मतलब क्या है? काफिर से दायरे इस्लाम से खारिज। काफिर से दिली मोहब्बत करेगा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसकी बेटी से करेगा तो भी तो खारिज होगा ना, कि नहीं लव मैरिज जायज हो जाएगी। मुसनद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया आधी रात को। आपने कहा अगर तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, तो कहा मुझे रुकना ही है, तो आपने अपना बिस्तर उसके लिए खाली कर दिया। देखिए कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या हम हमारे मेहमान के साथ ऐसा सुलूक कर सकते हैं? बहुत कम लोग होंगे जो होंगे मरहबा। अल्लाह के नबी ने अपना बिस्तर उसको दे दिया, वो उस पर सोया और उसने अल्लाह के नबी के बिस्तर पर पखाना कर दिया और फिर वहां से चला भी गया। अब भला बताए हमारे साथ मेहमान ऐसा कर ले तो? हमारे यहां तो शादी में मेहमान आते हैं, अगर वो थोड़ी सी कुछ मेहमान नवाजी में कमी ज्यादा हो जाए तो कितनी शिकायतें, साल साल भर दावत नहीं दिए थे, बड़े आदमी दावत देने नहीं आए, तुमने रुका पहुंचा दिए थे, वगैरह वगैरह, कितने झगड़े चलते। नहाने वहां गए तो साबुन नहाने को नहीं मिला, टॉवेल नहीं मिला वगैरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बिस्तर दे दिया, उसने उस पर पखाना कर दिया और फिर चला भी गया। आधे रास्ते में गया तो उसे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, वापिस लौटा, देखता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं पर उसकी गंदगी को साफ कर, दूर से देख रहा डर के। हमारे यहां करता तो कितनी शिकायतें होती, दूर से देख रहा है अल्लाह के नबी गंदगी को साफ, लेकिन उसके दिल में भाई मैंने गलत किया एहसास था। आया अल्लाह के नबी के सामने, क्या होगा? ताजा था, चिल्लाएंगे, नाराज होंगे, मारेंगे, लेकिन गलत किया तो उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ किस अखलाक से पेश आए? बोले रुकना है, रात गुजारना है। बोले हाँ, वापिस हो जाओ, वापिस मेरे बिस्तर पर सो जाओ। वापिस लेटा लेकिन सोया नहीं, दिली दिल में सोचता रहा कि आज मैं इस शख्स के आमाल देखूंगा जो मेरे साथ इतने अच्छे अखलाक से पेश आया। अब क्या देखता है, आंख बंद करके कि अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और रो रो के लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। उसका दिल पसीचा, मैंने इनके साथ क्या अखलाक से पेश आया और ये लोगों के साथ क्या? उसने ईमान लिया। तो काफिर के साथ, मुशरिक के साथ अखलाक से पेश आना, इस अखलाक से ये नबी तरीका है, इससे अल्लाह ताला नहीं रोकता, उनसे दिली मोहब्बत से रोकता है। कैसे? तो जब काफिर के साथ हम ये मोहब्बत से पेश आते हैं मोहतरम हाजरी, तो अपने वालों के साथ कितनी मोहब्बत से पेश आना चाहिए? तो क्या हम आते हैं ऐसे? नहीं। अब रहा मसला कि काफिर के साथ दिली बुग्ज दुश्मनी का क्या मतलब, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ तौर से कहा है कि तुम अपने दुश्मनों से दोस्ती मत रखो,
यानी दिली दोस्ती मत रखो और ना उनसे दोस्ती की पींगे लड़ाओ। देख लेते ना कि हाँ ये काफिर मुश्रिक बड़ा वेल सेट है, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा साहिब हैसियत है, ये उसमें बहुत सारी सलाहियत है, कुछ भी उसके पास जो दुनिया भी है, तो उससे दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देते हैं ताकि हमें भी दुनिया भी कुछ फायदा हासिल हो। इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्ती से रोका है क्योंकि यही दिली मोहब्बत की अलामत है। इसको छोड़कर आप उनके साथ अदलो इंसाफ के साथ पेश आ सकते हैं जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के साथ आया करते थे। तो मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है, जब मोहब्बत खालिस होगी तो नीयत भी इंसान की दुरुस्त होगी और उसमें इखलास पाया जाए। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, शिर्क होगा, इखलास दिल से जाएगा, रिया आ जाएगी। तो दिलों को अपने दुरुस्त करना है, दिल को अपने दुरुस्त करना है तो हमें इन उसूल कायदों को सीखना है कि मोहब्बत किससे की जाए। अल्लाह से मोहब्बत, सबसे पहली मोहब्बत किससे? अल्लाह, फिर अल्लाह की खातिर, फिर अल्लाह जैसी किसी से भी नहीं, और फिर फितरी मोहब्बत है अपने भाइयों से, बीवी बच्चों से, माँ बाप से, जो फितरी है, लेकिन उससे बेरगबती, उनकी मोहब्बत में डूबा नहीं जाएगा। इससे हमारा दिल कैसा रहेगा? सफेद, साफ, शफाफ, ऐसा नहीं उल्टे लोटे की तरह कि जो ना नेकी से मानूस होता, ना बुराई से, गुनाह से मुतनफिर होता, बल्कि अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारी नियतों को दुरुस्त करने, इखलास को पैदा करने, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए, सच्चाई और मोहब्बत को लाजिम पकड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।